Yo, what's up guys, welcome back to my channel, Afan's Vlog. So guys, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Guys, हम लोग गए थे भुवनेश्वर द कांग्रेस भवन. कांग्रेस भवन हम लोग गए थे उस दिन. आज नहीं, मैं इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ. उस दिन हम लोग कांग्रेस भवन गए थे. अभी आप देखेंगे डायरेक्ट फजर से, देखेंगे सुबह से देखेंगे अभी, और देखेंगे हम लोग वहाँ पे गए थे. हमारे जो जटनी के MLA साहब हैं सुरेश राउतराय सर, वो वहाँ पे आए थे. हम लोग उनसे मीट करे, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाए. अभी जाके आप देखेंगे व्लॉग को, देखना वो कितना अच्छा अच्छा मतलब बातें बोले हैं हमारे जटनी के. हमारे जटनी सिटी है, वहाँ के MLA हमारे सर हैं. तो अभी जाके आप डायरेक्ट देखेंगे कांग्रेस भवन से वीडियो. तो पहले आप वीडियो देख के आइए, बाद का बात मैं बात बोलूँगा. और वीडियो अच्छा लगा ये बस छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना. और सब्सक्राइब में हमारे नॉट सब्सक्राइब, हम लोग के 23% नॉट सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब बहुत ही कम है. तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो. हम लोग को 1K सब्सक्राइबर करना है गाइज. इस साल हम लोग को 1K सब्सक्राइबर जैसे भी करके करना है. 4000 बचा और तो आप लोग कर ही दोगे. सो पहले जाके आप वीडियो देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे का बात. तो गाइज हमारे पास यहाँ पर जटनी के MLA हैं. देखिए गाइज, सर आपका नाम थोड़ा बताइए. सुरेश राउत राय. सुरेश राउत राय और जटनी के MLA हैं ये. और आपको जटनी के MLA में आपको कैसा लग रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं जटनी के, थोड़ा बताइए हम लोग को. जटनी टाउन का आदमी, जटनी ब्लॉक खोर्धा ब्लॉक लेके जटनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. अच्छा. वहाँ का आदमी खूब अच्छा है. यूथ, स्टूडेंट, लेडीज, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनर कम्युनिटी, ऑल कैटेगरी आदमी जटनी निवासन मंडली का खूब अच्छा है. जटनी ऐसा निवासन मंडली है जहाँ पर 1,00,000 वार में आदमी जान दिए थे धौली पहाड़. ऐसा है नंदन कानन, नंदन कानन का जो व्हाइट टाइगर वर्ल्ड फेमस व्हाइट टाइगर गाइस. हाँ, उसका बाद होता है वरुणई करुणई. सारा इंडिया कैप्चर कर लिया ब्रिटिश, मगर इधर नहीं आ सका. उसका थोड़ा सा दूर चला जाएगा चिल्का लेक, वर्ल्ड फेमस चिल्का लेक. थोड़ा सा आगे चला जाएगा स्वयं जगन्नाथ टेम्पल. थोड़ा सा आगे चला जाएगा सी बीच के अंदर देखे कोणार, दी वर्ल्ड फेमस शहर कोणार. थे पर वो अब वापस आ जाएगा लिंगराज जी का टेम्पल डेम भुवनेश्वर के अंदर. अच्छा सिटी है खोर्धा रोड, जटनी खोर्धा हमारा भुवनेश्वर. वहाँ पर हम पैदा हुआ है, भाग्यवान है. जीती नाम वरुणई लेक है, कटक लेक है, बालेश्वर लेक है, भद्रक लेक है, जितना गांव है सब फेमस आदमी में सब आ गया. खूब कब से MLA हैं जटनी के, थोड़ा बताइए. 77 से, 67 से हम चेयरमैन है जटनी ब्लॉक का. 1967 से जटनी के ये चेयरमैन है हमारे सर. और MLA 77 से, 77 से MLA हुए जटनी. 6 बार MLA हुए, 6 बार MLA हो गए हैं. 3 बार मंत्री हुए, 3 बार मंत्री हो गए हैं सर. कौन से डिपार्टमेंट में आप थे? अंतर स्पोर्ट्स, कल्चर, यूथ अफेयर्स, एक्साइज. इनके डायलॉग्स बहुत फेमस है हमारे सर के, थोड़ा डायलॉग आप बताइए कुछ. आई रेडी मारी चलो, मारी चलो इस छी रेडी. ओ सो गाइस, अभी आपने देखा हमारे जटनी के MLA कितना बहुत ही अच्छा बातें सब बोले. हमारे नंदन कानन का बात बोले, कितना बहुत सारा अच्छा अच्छा बात सब बोले. हम लोग को बहुत ही ज्ञान हम लोग को दिए और बहुत ही अच्छे अच्छे ये मंत्री हैं हमारे जटनी के MLA. बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के. और वो बहुत से डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, जैसे कि मुने ने बोला था कल्चर डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर्स और भी क्या क्या डिपार्टमेंट सब था उनका. ये नाम तो भाई इतना नाम बोल रहे मुझे पता नहीं नाम. सो वीडियो तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा.
तो आप देखा आपने कितना बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा बात करे हमारे जटनी के MLA, और तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के। मैंने हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हम लोग पता नहीं था कि हमारे सर आने वाले हैं, जटनी के सर आने वाले हैं, सुरेश राउतराय सर। तो हम लोग जैसे ही आए हम लोग उनका ब्लॉग स्टार्ट करें, उनको देखे, बहुत ही अच्छे अच्छा बातें करें, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और एक बार बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो पिकॉक वैली का वीडियो आने वाला था वो थोड़ा सॉरी वो थोड़ा लेट आने वाला है, क्योंकि थोड़ा हम लोग जा नहीं पा रहे अभी बाहर, तो कोई नहीं है कि हम लोग को लेके जाएगा। सो थोड़े दिन के बाद आएगा व्लॉग, तो सॉरी लेट होने के लिए व्लॉग पिकॉक वैली का, पर पिकॉक वैली का जरूर आपको मैं ला के दिखाऊँगा पिकॉक वैली का व्लॉग। तो वो पिकॉक वैली का व्लॉग भी आप देखना, तो ये एक छोटा सा ही व्लॉग था। तो अभी अब फिर नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा देखेंगे आप, नेक्स्ट ब्लॉग फिर आएगा अच्छा ब्लॉग कुछ बनाए के दिखाएंगे। निरंजन पटनायक सर हमारे जो हमारे कांग्रेस भवन के प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर थे, वो उनके साथ भी हमारा मीटअप हुआ है, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास कंटेंट का बहुत कमी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी आप देखेंगे निरंजन पटनायक सर का। सो तो देखेंगे वो ब्लॉग भी आपको दिखाऊँगा मैं, उनके साथ और भी किस ने MLA और प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिले थे वो भी दिखाएंगे अभी आपको। सो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ। उससे पहले मैं बात बता दे रहा हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया जाइए और फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं BTS डालता हूँ और बहुत ही अच्छा फोटो और तो फोटो ही डालते हैं हम लोग, और भी है तो फॉलो करिए। मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही मतलब ये दे देता हूँ कि इस टाइप पे वीडियो आने वाला है, कि ये टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, तो मैं बता देता हूँ आगे से कि इस टॉपिक की वीडियो आने वाला है। जाइए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, यहाँ पर अभी शो हो रहा होगा देखिए, तो फॉलो कर देना। तो मिलते हैं कभी नई नई ब्लॉग पर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए जय जय भारत। ए अच्छा आदमी, लोग एकदम ब्यूटीफुल वर्ल्ड फेमस आदमी है वो खोरदार रोड जटनी में हमारा एरिया में। हम बोला ना, प्रकृति हमको दिया है।